नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी शादीशुदा औरत को कैसे वश में करें। दोस्तों, अगर आप भी किसी शादीशुदा औरत, भाभी या पड़ोसन को चाहने लगे हैं और उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं और आप यह चाहते हैं कि वो औरत खुद आकर अपने प्यार का इजहार करे, तो दोस्तों यह विधि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो आइए जानते हैं कि इस वशीकरण विधि के बारे में, जिसका प्रयोग कर आप किसी भी स्त्री, शादीशुदा औरत, भाभी, पड़ोसन को आसानी से वश में कर सकेंगे। इस विधि को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत होगी। जिस औरत को वश में करना है उसकी फोटो, लाल सिंदूर, कपूर की टिक्की, अपना खुद का नया या पुराना कपड़ा, केसर, 7 चावल के दाने और चीनी मिला हुआ मीठा पानी। इस वशीकरण विधि के द्वारा पुरुष जिस शादीशुदा औरत को वश में करना चाहता है उस औरत की फोटो को लेकर फोटो पर अच्छे से सिंदूर लगाए, फिर कपूर की टिक्की, केसर, चावल के दाने अपने नए या पुराने कपड़े में बांध लें। दाएं हाथ में यह पकड़ें और बाएं हाथ में चीनी मिला हुआ मीठा पानी ग्लास में डालकर पकड़ लें और उसके बाद बैठकर इस वशीकरण मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, वशीकरण मंत्र इस प्रकार है, ओम वायु सुनवे जनी वश्यम वश्यम नमः। इतना करने के बाद सभी सामग्री रात को सोते समय अपने तकिए के पास रख लें और सो जाएं। दोस्तों, सुबह उठकर चीनी वाला पानी पी लें और मन ही मन उस औरत का नाम लेते रहें, वह उसका ध्यान करते रहें। फिर किसी सुनसान जगह पर जाकर यह सारी सामग्री जला दें। दोस्तों, यह विधि करने की देर है और आपका प्यार आपके पास दौड़ा चला आएगा। शादीशुदा औरत को वश में करने की यह सबसे आसान व प्रभावशाली विधि है। दोस्तों, इस विधि का प्रयोग करने से पहले गुरु जी से एक बार जरूर संपर्क करें। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो या यह विधि समझ में न आए तो एक बार अवश्य